ये सत्ता भ्रष्टाचारियों की है, ये सत्ता बदलनी चाहिए। आम आदमी पार्टी इन सारी व्यवस्थाओं को बदलने के लिए आई है। इस स्तर पे प्रदेश नेतृत्व ने जो तय किया है कि पूरे ही प्रदेश में सभी निकायों में सभी सीटों पे पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है। मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि आपके दुख दर्द और क्षेत्र की समस्या में सदैव तत्पर रहूंगा। देखिए, आपको ये अच्छी तरह से पता है कि चाहे वो केंद्र की सरकार हो या प्रदेश की हो या स्थानीय निकाय हो, भ्रष्टाचार सबसे बड़ी वजह होती है सब तरह की अव्यवस्थाओं की। आज भ्रष्टाचार किस तरीके से सब जगह देखने को मिलता है, हमारे नरेश ठेकेदार जी ने क्या बताया कि लेखपाल को आप लोग आम जनता ढूंढते रह जाते हैं, दलालों को पता होता है कि कहाँ है और कैसे काम होगा। आप लोग जब तक चढ़ोतरी नहीं चढ़ाते कोई काम नहीं होता। आम आदमी पार्टी इन सारी व्यवस्थाओं को बदलने के लिए आई है। हमारे राष्ट्रीय संयोजक माननीय केजरीवाल जी का ये स्पष्ट कहना है कि हम लोग सत्ता परिवर्तन के लिए नहीं आए, हमें सत्ता का कोई लालच नहीं है, हम लोग व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं। अगर कोई दूसरी पार्टी जिन मुद्दों पे हम काम करना चाहते, अन्याय का सीना चीर के ये तस्वीर बदलनी चाहिए, ये सत्ता भ्रष्टाचारियों की है, ये सत्ता बदलनी चाहिए। और आम आदमी पार्टी का मकसद कोई सत्ता को बदलना नहीं है, हम इस सिस्टम को बदलेंगे जो इस सिस्टम में बैठे हुए भ्रष्टाचारी हैं, हम उनको बदलने का काम करेंगे अगर आप लोगों ने अपनी ताकत दिखाई तो। सम्मानित जनता, जिन्होंने अपना कीमती समय हमें दिया है, इसके लिए मैं तहे दिल से उनका आभार व्यक्त करता हूँ। और आने वाले समय में मैं उनसे कुछ उम्मीद रखता हूँ कि आपने मुझे किसी युग बनाया तो आप मुझे उस कभी भी किसी भी समय किसी भी क्षण किसी भी घड़ी में आप माता के मंदिर पर, मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि आपके दुख दर्द और क्षेत्र की समस्या में सदैव तत्पर रहूंगा। नमस्कार दोस्तों, बुंदेलखंड न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमारे साथ में आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री अरशद खान जी यहाँ पर उपस्थित हैं। हम उनसे कुछ वार्तालाप करेंगे। चूंकि चुनावी समय चल रहा है और यहाँ पर हमारे दोनों प्रत्याशी, एक महापौर प्रत्याशी और वार्ड नंबर 10 के प्रत्याशी दोनों यहाँ पर हैं। अब हम ये पूछते हैं कि अध्यक्ष जी किस किस को टिकट देते हैं और कितनी सीटों में अपने प्रत्याशी खड़े करते हैं। अध्यक्ष जी नमस्कार। नमस्कार सर, ये बताइए कि आम आदमी पार्टी से कितने प्रत्याशियों को और कितनी सीटों के लिए आप टिकट देंगे? देखिए, प्रदेश स्तर पे प्रदेश नेतृत्व ने जो तय किया है कि पूरे ही प्रदेश में सभी निकायों में सभी सीटों पे पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है। सभी सीटों के लिए प्रत्याशियों के चयन की प्रक्रिया इस समय चल रही है। इसी के अंतर्गत आज का ये वार्ड नंबर 10 में जो कार्यक्रम आयोजित हुआ, ये हमारे संभावित प्रत्याशी श्री कन्हैया सीमा जी के द्वारा आयोजित किया गया है। और हमारे मेयर के जो संभावित प्रत्याशी हैं नरेश ठेकेदार जी, ये भी यहाँ पर उपस्थित हैं। तो जितने भी वार्डों के जो संभावित प्रत्याशी हैं, जो टिकट चाह रहे हैं, वो अपने अपने वार्डों में इस तरह की सभाओं का आयोजन कर रहे हैं। उसमें हम लोग जा रहे हैं, वहाँ पर सारा जो पब्लिक के बीच में जाके अपनी पार्टी की बात रख रहे हैं और जो संभावित प्रत्याशी हैं उनकी भी क्षमता का आकलन हम लोग कर रहे हैं। इसी के आधार पर इन प्रत्याशियों का नाम फाइनल होगा। इसके अलावा जो हमारी पार्टी की एक सभी जगह के लिए एक नीति है, इस ट्रिपल सी के आधार पर हमने प्रत्याशी चयन का एक क्राइटेरिया फिक्स कर रखा है, जिसमें क्रिमिनल और करप्शन और कैरेक्टर, इन तीन कसौटियों पे उन प्रत्याशियों को कसा जाएगा। और उनकी लोकप्रियता को देखते हुए और किस तरह की उनकी क्षमता है इसको देखते हुए हम लोग प्रत्याशी का नाम फाइनल करेंगे। अध्यक्ष जी, झांसी नगर निगम का चुनाव में कितने महापौर के लिए कितने लोगों ने दावा ठोका है? देखिए, हमारा 1 नवंबर से आवेदन फॉर्म वितरण का काम शुरू हो चुका था, जिसमें हमारे प्रदेश के चुनाव समिति के अध्यक्ष माननीय सभाजी सिंह जी मुख्य अतिथि थे उस कार्यक्रम के। उसमें हमारे 2 मेयर प्रत्याशियों ने और करीब 25 वार्डों के सभासद के प्रत्याशियों ने आवेदन लिए थे। और उसके बाद से और कई नाम आए, लेकिन अभी हम लोग इंतजार कर रहे थे आरक्षण की सूची आने का। आरक्षण की सूची आ चुकी है, लेकिन अभी भी उसमें आपत्तियां जो दर्ज हुई हैं, आपत्तियों के लिए समय दिया गया था। अब जब फाइनल सूची आ जाएगी तो उसके आधार पर और कुछ आवेदन आएंगे। कुछ और लोग हैं जिन्होंने फॉर्म प्राप्त कर लिए हैं, तो ये सब अभी प्रक्रिया चल रही है। आवेदन जब ये आरक्षण की सूची फाइनल हो जाएगी, उसके कुछ ही दिनों के अंदर हमारी भी एक फाइनल सूची जारी हो जाएगी, जिससे कि जिनको पार्टी ने अधिकृत प्रत्याशी के तौर पे
टिकट दिया होगा वो सारे नाम आप लोगों के सामने आ जाएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी जरूर दबाएं।